नमस्कार भाई दोस्तों, अगर आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाए, अपने देश के अंदर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इज्जत किन की जाती है? जाहिर सी बात है, सबका एक ही जवाब होगा, आर्मी वालों की जाती है। सिंपल जवाब है इसका, सिंपल आंसर का। लेकिन क्या ऐसे इज्जत की जाती है? मतलब बेटा बॉर्डर के ऊपर है, माँ के साथ बदतमीजी की जाती है, और माँ के साथ बदतमीजी भी ऐसी कि अगर आप लोग सुनो ना, वीडियो है मेरे पास, तकरीबन वो वीडियो वायरल भी हो रहा है, सबने देखा भी होगा, हमने भी देखा। योगी आदित्यनाथ महाराज, बुलडोजर बहुत चलता है आपका, उस दरोगा लक्ष्मण यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा क्या? क्या वो दरोगा रहने के लायक है? क्या वो कंधे पर सितारे लगाने के लायक है? जिसकी अगर भाषा देखी जाए, अमर्यादित भाषा, और इतनी मतलब जब उसका बेटा सुनेगा, उस माँ का बेटा सुनेगा, वो बॉर्डर पर बैठा है, उन शब्दों को सुनेगा कि उसकी माँ के साथ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, क्या बीतेगी उसके दिल पर? और ये एक दो वाक्य नहीं है, हजारों वाक्य हैं, किसी का आप सामने आ जाता है, किसी का नहीं आ पाता। लेकिन क्या दरोगा लक्ष्मण यादव को सस्पेंड करके उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? सलाखों के पीछे इसलिए बोला है क्योंकि उसकी भाषा अगर आप सुनोगे ना, एक आम आदमी भी सुनेगा, उसको भी गुस्सा आएगा कि एक माँ, उम्र भी उसकी बहुत ज़्यादा है, वो घर पर अकेली है, उसका बेटा बॉर्डर पर है, उस माँ के साथ ऐसा व्यवहार, तेरी शक्ल बदल दूंगा, तेरी अकल बदल दूंगा, तेरे बेटे को वहाँ से कॉलर पकड़ के खींच के ले आऊंगा बॉर्डर से, क्या कर लेगा सीओ? सीओ तक को चैलेंज कर रहा है। आप शायद पता नहीं आपको सीओ की पावर का। या उस बच्चे को चाहिए एक लेटर लिख दे अपने सीओ के नाम कि अब मेरा सीओ कार्रवाई करेगा, फिर देखिए दरोगा कहाँ मिलता है। अगर उस बच्चे तक ये बात पहुँचती है ना, अपने सीओ के नाम लेटर लिखे कि मेरी माँ घर पर अकेली थी, अरे ऐसे ऐसे दरोगा लक्ष्मण यादव नाम इसलिए बार बार बताया जा रहा है ताकि कोई सस्पेंड ना रह जाए। कानपुर देहात का दरोगा है वो, कानपुर देहात का दरोगा जिसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, वीडियो डाल भी नहीं सकते हम कहीं पे, इतने गंदे शब्द इस्तेमाल किए हैं उसने, इतने गंदे, हद हो रखी है बिल्कुल। और फिर हम कहते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा इज्जत है। तुम्हारे से अच्छा तो ना ऑस्ट्रेलिया ने इज्जत की है, जो सिख प्लाटून बनाई है ना, ऑस्ट्रेलिया अच्छी इज्जत कर रहा है, आज कहनी पड़ रही है ये बात। तुम जो यहाँ पे व्यवहार कर रहे हो ना फौजियों के साथ, और कोई एक दो किस्सा थोड़ी है, चलती ट्रेन से फौजी को नीचे फेंक दिया गया था, या जो व्यवहार यहाँ पे होता है, क्या वो देख नहीं रहे क्या? अगर नहीं बोलते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहते नहीं या और नहीं करते, आपके व्यवहार का सबको पता है। नेताओं के तड़वे चाटने के चक्कर में आप जो व्यवहार करते हो ना फौजियों के साथ, वो होना नाकाबिले है, मतलब के इतना गिरा हुआ व्यवहार करते हो आप ये भी सोचना बंद कर देते हो कि इन्हीं की वजह से आप यहाँ पर हो। कभी सोचा किसी ने? एक तरफ आपको दिक्कत हो जाती है, कुछ सिखों के बारे में लिख दो, सबको चाहिए सबूत दिखाओ, ये दिखाओ, क्यों, कौन है भाई तुम सबूत लेने वाले? ये पूरी दुनिया में आपको पता है जो अमृतपाल सिंह खालसा आया हुआ है, इसकी टीम है वारिस पंजाब दी टीम, 130 देशों में काम करती है वो, 130 देशों में, और बच्चों को पंजाबी पढ़ाती है, पंजाबी पढ़ाती है बच्चों को। आपको उसका प्रूफ चाहिएगा ना, प्रूफ ले लेना। अगर हमसे नहीं लेना चाहते, अब वारिस पंजाब देगा जो टीम का हेड है अमृतपाल सिंह खालसा, उससे ले लो, वो दे देगा आपको प्रूफ। जो कहीं पर भी बाढ़ वगैरह आती है वहाँ पर भी जाते हैं, मदद करते हैं, वो गरीब बेसारा बच्चे, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको पढ़ाते हैं, उनकी स्कूल की फीस तक देते हैं। नहीं पता हो तो आज आपको बता रहा हूँ मैं कि कहाँ से आया है ये अमृतपाल सिंह, क्यों आया है 130 देशों में, और एक अपने देश में आकर नशा मुक्त का बोल दिया, अमृत छकाने का बोल दिया, तो यहाँ पर लोगों को मिर्ची लगने लगी, चीखा निकल रही है लोगों की, क्यों भाई? वही खालसा के नाम से जो यात्राएं निकाली जा रही हैं उनसे तकलीफ हो रही है। तुम्हारी तकलीफें कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे को ना एक गुलामी की आदत पड़ चुकी है, तुम कभी संतुलित रूप से काम नहीं करना चाहते, सच्चाई है ये, तुम्हें गुलामी की आदत पड़ चुकी, मेरा नेता महान, मेरी पार्टी महान, बस ये आदत पड़ चुकी है। झंडे उठाने में व्यस्त रहते हो आप लोग, ये झंडे तो नहीं उठाए जाएंगे भाई, जो जैसा होगा वो वैसा ही बताया जाएगा आपको, और क्लियर आपके सामने रखा जाएगा ये ऐसा है और ये ऐसा है। करोगे आगे योगी आदित्यनाथ महाराज, आप बुलडोजर लेकर पंजाब की तरफ आ रहे थे, पंजाब में तो रहने दो, पंजाब में तो तुम्हारा कहीं खाना ही नहीं है, एक बार थोड़ा यूपी को ही सुधार दो। यूपी में जो उस फौजी के साथ होया है, उस फौजी की माँ के साथ होया है, क्या कोई एक्शन लोगे? इंतजार करें भाई कोई एक्शन होगा, मेरे को तो नहीं लग रहा है। क्या अभी तक उस पर एक्शन ले लिया? और टनी मिश्रा जिसके लड़के पार उगते हो गए, क्या उसका इस्तीफा ले लिया? नहीं लिया। फिर कौन सा देश में जंगल राज है यूपी के अंदर, और जंगल राज ही रहेगा, दोबारा फिर इनको लेके आओ, ठीक है खतौली में जिता दिया, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जिताओ ना भाई, एक खतौली से थोड़ी काम चलेगा। एक गुजरात में जीतती है, वो गोदी मीडिया दबा दब दिखा रही, देखो गुजरात में बंपर जीत, बाकी
बाकी दिल्ली का बता दो, पंजाब का बता दो, यूपी का बता दो, और भी तो बताओ क्या हो गया, बिहार का बता दो। बस खाली एक गुजरात दिखा रहे हैं, कोई न्यूज चैनल उठा के देखो, गुजरात में बंपर जीत, गुजरात में बंपर जीत। और हम तो एक बात से हैरान हैं कि अभी तक इस पर किसी ने हमले का वो नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री साहब के ऊपर अटैक होता है, फिर हिंदू खतरे में आता है, होता है ये, फिर वो आएगा, फिर तुम्हारे को धर्म के जाल में फंसाया जाएगा, देख लेना ये होगा। जिस प्रकार से ये हारे हैं ना सब जगह पे, अब हिंदू भी खतरे में आएगा, प्रधानमंत्री साहब अभी अटैक होंगे, इनको धमकियां भी मिलेंगी, मिलेंगी धमकियां, फिर देखना, फिर चलेगा इमोशनल कार्ड, फिर वो ड्रामा चलेगा। उस ड्रामे में आप लोग खुश रहते हो, खुश, सच्चाई आपको पसंद नहीं है ना, यहाँ पर सच्चाई बोली जाती है, और सच सबके बस का नहीं होता, सच बहुत कड़वा होता है। सच ये है कि अमृतपाल ने जो बीड़ा उठा रखा है ना, नशा मुक्त पंजाब का और अमृत छकाने वाला, वो एक नंबर का हर चल रहा है। युवा खुश है इस चीज में, युवाओं का जो नशा छुड़वा रहा है उसमें युवा खुश है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई आपके सामने कोई नहीं रखेगा। बस एक खालिस्तानी खुलेआम घूम रहा है, यही दिखाते हो ना, किसानों को भी खालिस्तानी बोल रहे थे, इनका क्या है, गोदी मीडिया है ये, तो जितना इनको डलेगा ना, टुकड़ा डलेगा, उतना ही भोंकती है ये, बस सच्चाई है ये सच्चाई। यूट्यूब के ऊपर भी कब्जा करना चाह रहे हो, के बात हर एक जगह पे कर लो ना, लोग तुम्हें टीवी में देख कर खुश नहीं है, चलो टीवी तुम्हारे मालिकों ने खरीदे हुए हैं, टीवी के चैनल वो तो तुम्हारे मालिकों ने खरीद लिए, अब तुम यूट्यूब पर भी आना चाहते हो। एक जिसकी कहने ही क्या है उसको, तो मैं नाम के पीछे भी चौधरी लगाता, पता नहीं क्या है क्या वो, ये भी नहीं पता आज तक, तुम्हारी हालत खराब है, सच्चाई दिखाओ ना, सच्चाई दिखाओ। पंजाब नशे की गिरफ्त से बाहर निकलता आ रहा है, अब पंजाब को छोड़कर हरियाणा की तरफ आगे, पहले हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1, अब आतंकवाद में नंबर 1 बना दोगे हरियाणा को, यही तो चल रहा है। और यही मैं कह रहा था, जो अपनी संयुक्त पंजाब की एकता ना, वो आंखें खोल लो, अपने आप को तो बचा लो। नॉर्थ इंडिया ने जबरदस्त जवाब दिया है, ऐसा जवाब दिया कि ये सन रह गए हैं, अब इन पर खतरा बढ़ेगा, खतरा बढ़ेगा, हिंदू खतरे में आएगा, इनका धर्म, इनकी कुर्सी खतरे में आएगी। अब क्योंकि नॉर्थ इंडिया ने जो जवाब दिया है ना, काबिले तारीफ है, और ये कहना पड़ रहा है आज हमारे को भी, काबिले तारीफ जवाब दिया है, और यही जवाब मिलेगा इनको 2024 में, यही जवाब मिलेगा हरियाणा में, तो और भी जबरदस्त जवाब मिलेगा, तैयार रहना, तैयार है पूरा हरियाणा भी, क्योंकि हरियाणा के साथ पंजाब है, यूपी है, राजस्थान है, जवाब मिलेगा, ठोक कर मिलेगा, देखते जाना बस इस चीज़ को। और हाँ, आंखें खोल लो, गोदी मीडिया को देखना छोड़ दो, सच्चाई जो है ना, उस सच्चाई को देखो। योगी साहब करना थोड़ा दरोगा जी पे, आपका बुलडोजर अगर जा सकता हो तो वहां तक लेके जाना, दरोगा घर तक बुलडोजर, इंतजार रहेगा, लेके जाओगे या नहीं जाओगे, इंतजार रहेगा इस चीज़ का हमारे को। क्यों? क्योंकि वो एक फौजी की माँ है, उसका बेटा बॉर्डर पर बैठा है। देखते हैं, तो साथी नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आप तक वीडियो पहुँचता रहे। और इंतज़ार करो, कब तक ये करेंगे, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी होना जाना कुछ नहीं है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं लिया गया राज्य मंत्री का, आगे क्या करेंगे, जबकि आरोप तय हो चुके हैं, नहीं लिया ना, ना ही लेंगे, ना इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा काम अपनी आवाज़ उठाते रहना, लोगों को सच बताते रहना, और वो सच बताते रहेंगे, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन सच्चाई आपके सामने रखते रहेंगे। नमस्कार भाई दोस्तों।